जीनू रावतिया जी ने नियम के तहत आज मन की बात में गई और हमें प्रेरणा दी कि किस तरीके से हम टीबी से ग्रसित लोगों को अडॉप्ट करके उनके छीचे पीने के लिए उनकी दवाई की बात हो चाहे उनके खान पन पौष्टिक खाने की बात हो, हम सब समाज के लोगों को भी किस तरीके से आगे आ रहे हैं और उससे मोटिवेट होकर हमें आगे आना चाहिए। फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित साईं धाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया गया। कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर पीएम मोदी की मन की बात सुनी। इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर कहा कि वोकल फॉर लोकल के साथ आने वाले हर त्यौहार मनाएंगे। विपुल गोयल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प का हिस्सा बनकर 11 टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया और कहा कि बीमारी का सारा खर्चा स्वयं वहन करेंगे। वार्ड नंबर 28 के निवर्तमान पार्षद नरेंद्र नंबरदार के साथ मिलकर बाढ़ के लिए एक ट्रैक्टर और सीवर सफाई के लिए जेटिंग मशीन को क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए जनता को सुपर्द किया। उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सदस्य हैं और आज यहाँ पर हम उनका 106वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात कही, उन्होंने विभिन्न मुद्दों को, चाहे एक कहते हैं नेचुरली किसी बीमारी से ग्रस्त बच्चे का कितना बड़ा मोटिवेशन, किस तरीके से उन्होंने दिशा और बदलने का काम किया और किस तरीके से मैसेज देने का काम समाज को किया, उसके साथ साथ टीबी जैसी बीमारी की बात हो चाहे अन्य जो एक कहते हैं ना मर्म स्पर्शी और सामाजिक जो मुद्दों को, विभिन्न मुद्दों को उठाने की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात में कही और हमें प्रेरणा दी कि किस तरीके से हम टीबी से ग्रसित लोगों को अडॉप्ट करके उनके छीचे पीने के लिए उनकी दवाई की बात हो चाहे उनके खान पन पौष्टिक खाने की बात हो, हम सब समाज के लोगों को भी किस तरीके से आगे आ रहे हैं और उससे मोटिवेट होकर हमें आगे आना चाहिए। और जो टीबी मुक्त भारत का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को दिखाया है, हम उसे अच्छे तरीके से साकार कर सकें, इस तरीके का आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बात की। और आने वाले जो दिवाली का त्यौहार है उसको किस तरीके से हम अपने गिफ्टों के अंदर लोकल चीज़ों को और जो हमारे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे दीवे की बात हो, चाहे छोटी मोटी पेंटिंग की बात हो, चाहे मूर्तियों की बात हो, उनको भी अपने गिफ्ट हेम्पर के साथ समायोजित करने की बात कही, नहीं तो उन्हें ही गिफ्ट देने की बात कही। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को प्रेरित होकर दिवाली पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जो कुम्हार भाई हैं उनके द्वारा निर्मित दीपों को जलाने का काम आने वाली दिवाली, मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी का नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से उनके पंडित दीनदयाल जी की जो नीतियों को, जो उनकी सोच को आज देश के अंदर जो लोगों में समायोजित करने का काम किया, समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को किस तरीके से मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, और आज आप देख रहे हैं कि एकांत मानवतावाद जो माने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक सपना था, एक विचार था, उसको साकार करने का काम कर रहे हैं और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम पिछले 8 साल से माने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। और देश किस तरीके से सादगी के साथ उच्च विचारों का जीवन जो जीने का काम है हमारे देश के अंदर, लोग उस बात की शिक्षा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और नरेंद्र मोदी जी के आचरण से ले रहे हैं। हमारे मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय विपुल गोयल जी, उनका यहाँ आगमन हुआ, उन्होंने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है यहाँ किया और उसमें साथ में जो है वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पे किया है। उसके बाद मोदी जी की मन की बात, इसमें लोकल टू वोकल और टीवी जैसी महामारी के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से चीज़ों को लेके आए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात कही है उस सब पे, और साथ में आज क्योंकि स्वच्छता अभियान मोदी जी का जो हमारा जो स्वच्छता अभियान है वो मोदी जी का ड्रीम है और मोदी जी के जन्मदिन के अंदर सेवा पखवाड़ा चल रहा है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत माननीय विपुल गोयल जी जो हमारे आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनसे हमने आग्रह किया कि मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी समस्या शिविर की है, लोगों के घरों में पानी है, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत परेशानी जूझ रहे हैं लोग। माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल करके आज एक सीवर साफ करने की मशीन और एक नया ट्रैक्टर जो हमारे क्षेत्र को देने का आज प्लान किया है, जो स्वैच्छिक मंत्री जी के अपने पॉकेट से है, मंत्री जेब से। तो माननीय मंत्री जी को मैं इस पूरे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना।